आज सेमेस्टर का सबसे पहला दिन है। आज के दिन सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपने सभी काम छोड़ के स्कूल आते हैं, लेकिन आप? खैर, हमने बच्चों को यूनिफॉर्म्स और बुक्स दे दी हैं। आप घर जाके देख लीजिएगा। I'm really sorry. आगे से ऐसा नहीं होगा मैम। मिस्टर बाजपेयी, आज मैंने यथु को देखा था, वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। आई थिंक बाकी बच्चों के पेरेंट्स के साथ उनको देख कर वो काफी लेफ्ट आउट फील कर रहा था। एंड यू नो वॉट, बच्चों के लिए ऐसी मेमोरीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैम, मैं एक काम करता हूँ, मैं साक्षी मैम से कह देता हूँ, वो यथु को एक बार। साक्षी मैम, शी इज द स्कूल काउंसलर। एंड आई वुड एडवाइस यू नॉट टू कॉल हर। वो आई थी मेरे पास, कह रही थी कि वो स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ जरूरत से ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहती। जितना एक टीचर को एक स्टूडेंट के लिए करना चाहिए वो उतना जरूर करेंगी, पर उससे ज्यादा नहीं। एंड आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट। और मिस्टर बाजपेयी, लास्ट टाइम आपकी वजह से ही उनकी जॉब चली गई थी, सो आई होप इस बार आप ऐसा कुछ भी नहीं दोहराएंगे जिससे वो सब वापस हो। रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी मिस्टर बाजपेयी। साक्षी मैम ने ऐसा। ड्राइवर, ऑफिस चलो। साक्षी मैम, आपको ना ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आयशा, आपको मुझसे कुछ काम था? नो मैम, मैं बस आपको ये बताने आई थी कि यथु आपकी वजह से बहुत हर्ट है। आप आज उससे मिली? नहीं, यथार्थ बाजपाई से मिलने का मेरे पास कोई ऑफिशियल रीजन नहीं था। जब तक प्रिंसिपल मैम या कोई टीचर मुझे किसी बच्चे की काउंसलिंग के लिए नहीं कहती, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू सी एनी स्टूडेंट। मैम, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? आप बड़ों की लड़ाई में हम बच्चों की क्या गलती है? आप इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर और एक स्टूडेंट को ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। आई नो तुम्हें मेरा बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट, मेरा ये बिहेवियर हम सब के लिए बेस्ट। जिस बिहेवियर से किसी का दिल दुखे बिहेवियर बेस्ट कैसे हो सकता है? मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था साक्षी मैम। मिस्टर बाजपेयी, लास्ट टाइम आपकी वजह से ही उनकी जॉब चली गई थी, सो आई होप इस बार आप ऐसा कुछ भी नहीं दोहराएंगे जिससे वो सब वापस हो। हाँ, मैंने मदर्स डे की दुहाई दी थी, कह रहा था कि 2-3 दिन में मुझे बताएगा। मिल गया। तुम अब इस मौके का फायदा उठाओगी और उसकी पर्सनल स्पेस पे मंडराओगी। तुम उस घर में जाओगी एक माँ का लिबास ओढ़कर, लेकिन नियत होगी तुम्हारी एक हार्ड कोर बिजनेस वुमन वाली। तुम यथु को निशाना बनाओगी, इमोशनली उसे अपने करीब लाओगी और मानव से दूर ले जाओगी और मानव से अलग कर दोगी। तब मानव की पर्सनल लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। एक तीर से 2-2 निशान लग जाएंगे आकांक्षा। मानव यथु से दूर हो जाएगा, यथु तुम्हारे करीब आ जाएगा और दूसरी तरफ मानव इतना टूट जाएगा कि वो मेरे साथ बिजनेस वॉर तो क्या, एक बिजनेस मीटिंग तक नहीं कर पाएगा। वैभव, इस सब में यथु को इन्वॉल्व करना? कम ऑन यार, यथु मुझे प्यारा नहीं है क्या? ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? जब ये सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, तो किसके पास आएगा? यथु के पास। तुम ठीक कह रहे हो वैभव, अब देखना
मैं मानव को कैसे बर्बाद करती हूँ। मेरा यत्न सिर्फ मेरा होगा। You are my queen. Good morning, teacher. लगा था अगर मैं आपसे नाराज होऊंगा तो मैं आपको इग्नोर करूंगा, तो आप मेरे पास वापस आ जाओगी, आप मुझे स्कूल में रोक के हग करोगी, आप मुझे मिस करोगी, लेकिन आप ने मुझे इग्नोर करना चालू कर दिया। आई मिस यू साक्षी, आई मिस यू। हम 3 दिन तक डॉक्यूमेंट्स की वेट नहीं कर सकते। वैभव पर भरोसा करना मतलब अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। अब तक तो वो आदमी जरूर कोई ना कोई लूपहोल्स ढूंढ रहा होगा। हाय बच्चे, आपने आइसक्रीम खाई? डैडो कह दो मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ और आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है। पर मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमें सारे ओरिजिनल फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिल सकता है। मानव, हेलो मीरा। हेलो। फाइनली आपने गुड और इविल में से गुड साइड चुनने ली। मैंने कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग लीगल एडवाइजर ऑफ होलकर इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच। एंड मानव, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। जी। शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन होलकर इंडस्ट्रीज का ये रूल है कि सीईओ के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंपनी उठाती है, इसलिए आज से यथु की पढ़ाई का खर्चा भी होलकर इंडस्ट्री उठाएगी। सॉरी सर, मीरा जी, इफ यू डोंट माइंड, ये मीटिंग हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं? व्हाई नॉट, अगर मीरा को एतराज नहीं होता। नो नो, आई एम टोटली फाइन विद इट। ओके। मानव, तुम जानते हो ना, ये मीरा जो आज हमारे साथ खड़ी होकर वैभव के खिलाफ प्लान कर रही है, कल तक ये वैभव के साथ हुआ करते थे। आई होप तुमने पता कर लिया होगा कि वैभव की कोई नई चाल तो नहीं। बोलकर सर, मकारों की दुश्मनी की शुरुआत दोस्ती से ही होती है और मीरा ने वैभव के धोखे का स्वाद चख लिया। अब वो भी वैभव की दुश्मनी है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। डोंट वरी सर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.